अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। सना के रसोई चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की जो रेसिपी है बहुत ही ख़ास है, इसका नाम है चिकन बिस्किट। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए चिकन बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम डालेंगे 2 चिकन ब्रेस्ट के पीसेस, ये लगभग 350 ग्राम का चिकन है, और उसमें हम डाल देंगे 4 से 5 गिलास पानी, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लिड लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 12 मिनट के बाद इन चिकन के पीसेस को चिकन ब्रोथ में से निकाल लेंगे और इस चिकन ब्रोथ को भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम डाल देंगे 2 इंच का बटर क्यूब और उसे पिघलाएंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून रफली चॉप्ड गार्लिक, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसी के साथ डाल देंगे 1/4 कप स्प्रिंग ऑनियन। अगर स्प्रिंग ऑनियन अवेलेबल नहीं है तो आप छोटी सी प्याज को कट करके भी डाल सकते हो। 1/2 कप या 1 गाजर, 1/4 कप फ्रोजन कॉर्न्स और साथ में थोड़े से ग्रीन पीस, और इन सबको अच्छी तरह से सौते करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप या 3 टेबल स्पून मैदा, और इसे भी 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे ताकि जो मैदे का कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें चिकन ब्रोथ जो हमने निकाल लिया था अलग से बर्तन में। अब हम इसे 1 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि सारे फ्लेवर जो है मिल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, या आप एज पर टेस्ट भी डाल सकते हो। अब हम इन बॉइल्ड चिकन के पीसेस को श्रेड कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। चलिए अब हम सॉस की थिकनेस को चेक कर लेते हैं। ये सॉस ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, आप एक स्पून के हेल्प से इसे चेक कर सकते हो। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना इतना पतला कि वो फ्लो हो जाए, तो ये बहुत परफेक्ट बना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे हम श्रेडेड चिकन के पीसेस। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लिड लगा कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने हमारे सॉस को सर्विंग डिश में निकाल लिया है और थोड़ा सा सॉस पैन में बाकी रखा है, क्योंकि डिश तैयार होने के बाद हम इसे ऊपर से डालकर सर्व करेंगे। चलिए बिस्किट बनाते हैं। मैंने पहले ही मेरे ओवन को 220 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है, और अब एक बाउल में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, 3/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 या 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून ड्राइड पार्सले, और जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो क्रीम चीज़ हो या स्लाइस चीज़ हो, आप यूज़ कर सकते हो। पहले हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद तोड़कर हम इस तरह से डालेंगे चीज़। 2 टेबल स्पून बटर, इसको भी ऐसे तोड़कर डालना है। अब हाथ के हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें बिस्किट के डो का भी ख्याल रखना है, ना ये ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा पतला जैसे बैटर होता है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा बिस्किट का डो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमें। अब थोड़े थोड़े फासले पर हम इसे सॉस के ऊपर सेट करेंगे, क्योंकि बिस्किट जो है बेक होने के बाद बड़े हो जाते हैं साइज़ में, तो थोड़ा सा फासला रखना है आपने और इस तरह से उसे सेट करना है। अब हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते।
आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर और टाइम सेट कर सकते हो। देखिए हमारे गर्मा गर्म चिकन बिस्किट बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही बढ़िया और मुंह में पानी लाने वाली डिश है और बहुत हेल्दी भी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए चिकन बिस्किट। चिकन और मैदे से बनी हुई ऐसी डिश जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको डिश कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।